मुराद। हमने पता चला लिया है कि तुम्हारी सारी बर्बादी के पीछे कौन है। कौन है? उसका नाम है उमर। उमर? उमर कौन? उमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें जफर देगा। जफर एक जर्नलिस्ट है। मुराद साहब, इस सारी इंफॉर्मेशन के बदले मुझे भी एक चीज चाहिए। क्या? प्रोटेक्शन। क्योंकि उमर मेरी जान का दुश्मन बन गया है। एक दफा पहले भी वो मेरे फ्लैट पर अपने बंदे भेज चुका है मुझे कत्ल करने के लिए, और अब भी शायद वो मुझे वो लोग ढूंढ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि उसकी मेरी क्या दुश्मनी है? वो ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहा है? उसकी अगर हम ये बात अकेले में कर सकें तो मैं आपको इसकी वजह बता सकता हूँ। यू प्लीज गो अहेड। मैं अनीला के पास बैठा हूँ, मुझे बुलवा लेना। थैंक यू। हाँ बोलो। सोफिया। सोफिया, उमर की आपसे दुश्मनी की वजह सोफिया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उमर और सोफिया का रिश्ता, उनका ताल्लुक तो एक खासे अरसे से एस्टैब्लिश्ड है। उस वक्त से जब सोफिया अभी नई नई शहर में आई थी, जब उसे कोई जानता तक नहीं था। सोफिया के कपड़े, सोफिया का फ्लैट और कार, ये सब उमर ही का दिया हुआ है। और वो जो उसने डायमंड के कड़े पहन रखे हैं ना, वो भी उमर ही का दिया हुआ है एक तोहफा। क्या 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 कहना चाहते हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी फजूल बातों पे यकीन कर लूंगा? मुराद साहब, मेरा ख्याल है कि शायद ये तस्वीरें आपकी कुछ मदद कर सके। तनवीर, हमें उमर के वारंट गिरफ्तारी मिल चुके हैं, आप फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करें। यस सर। Thank you.
हेलो। हाँ हाँ क्या? आर यू श्योर? क्या तुम्हारी रिपोर्ट सही है? ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। मैं ये फेवर कभी नहीं भूलूंगा फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू। एनी प्रॉब्लम सर? आखिर पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। मैंने उमर साहब से बात करी। उमर साहब नहीं है ये, तो आप मुझे अंदर तो जाने दें। सर नहीं, मिलने की इजाजत नहीं है। शाने किस बात की है? तुम्हें पता कि उमर के वारंट जारी हो चुके हैं और पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में? तो क्या उमर अरेस्ट हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका घर खाली था, गायब था वो वहां से। पुलिस अब उसको तलाश कर रही है। तो आप मुझसे क्या पूछने आए हैं? तनवीर ने मुझे कहा कि तुम्हें बता दूं कि वो ये चाहता तो नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में उसे तुमसे पूछताछ करनी पड़ेगी। इसी वक्त के खौफ से मैं तुम्हें हमेशा मना करता था, लेकिन तुम अपनी जिद से कभी बाज आई हो? हमेशा अपनी मर्जी की है तुमने। इस स्कैंडल में तुम्हारा नाम भी आएगा, लोग तुम्हारा नाम भी लेंगे उस मुजरिम के साथ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे इसकी कतन परवाह नहीं है। अगर आपके नज़दीक लोग इतने ही इम्पोर्टेंट हैं तो ये आपका मसला है। अब आप तनवीर भाई से कह दीजिए कि वो उमर के सिलसिले में जो भी सवालात करना चाहते हैं आगे कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ठीक। हम उमर को तलाश कर रहे हैं सोफिया, लेकिन वो अपने किसी ठिकाने पर मौजूद नहीं। तुम्हारी तो उमर के साथ बहुत देर तक
दोस्ती रही है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहाँ हो सकता है? तनवीर भाई, आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन मैंने उमर को कभी भी मुजरिम नहीं समझा। मेरे लिए उनका जुर्म की दुनिया से कभी भी ताल्लुक नहीं था। मुमकिन है सोफिया कि वो तुमसे राब्ता करे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि तुम पुलिस की मदद जरूर करोगी। वो तुम्हारे भाई का कातिल है सोफिया, ये तो तुम जानती हो ना? मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझसे राब्ता करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ सोफिया, तो प्लीज मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा सोफिया, मैं चलता हूँ। कैसी हैं? मेरा बेटा आया है। हाँ। कितने दिन हो गए, तुम आए ही नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। सोफिया भी आई है ना? नहीं, सोफिया तो नहीं आई। अच्छा, कितनी देर के लिए आए? रुकोगे ना कुछ? जी माँ, कुछ दिन रहूंगा अब आपके पास। क्यों, सब खैरियत है ना? जी अम्मा, खैरियत है, सब खैरियत है। परेशान था अपने बिजनेस की वजह से। कुछ पता चला किसने किया ये सब? हाँ। कौन है वो? उमर। सी बातों का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। मसलन ये कि ये फ्लैट, ये गाड़ी और वो खूबसूरत डायमंड के कड़े जो तुम्हें उमर ने गिफ्ट किए हैं, है ना मुराद? गिफ्ट किए हैं ना मुराद? ये ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। शायद मैं बेवकूफ इंसान हूं, शायद क्या इस चीज के बात तो यकीनन, शायद इसलिए कि बहुत ज्यादा तन्हा रहने के बाद मुझे इंसानों की पहचान नहीं रही। वरना तुम्हारे और उमर के बारे में तो एक सस्ते अखबार का रद्दी जर्नलिस्ट भी जानता है। मुराद, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट?
बड़ा छोटा लफ्ज है। सोफिया, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो शख्स मेरा कारोबार तबाह कर रहा है। मुराद, वो एक मुजरिम है, तुम्हारे भाई का कातिल है वो। मुराद देखो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा उसके साथ कोई पुराना ताल्लुक था। मुराद, या फिर शायद तुम वो नहीं हो जो जो मुझे दिखाई देती हो। मुराद देखो, ये ऐसी, ये लो पकड़ो इसे, ये तुम्हारी और तुम्हारे उम्र की तस्वीरें हैं जो मुझे कोई दे गया था। मुझे इनकी जरूरत नहीं है और ना ही पहचानेंगी तो नहीं, लेकिन आप जितनी देर चाहें बात कर सकते हैं। बानो, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात समझ सकती हो या सुन भी सकती हो, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूं। ऐसी बातें जो शायद मुझे आज से बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हम दोनों ने अपनी नफरत से इतना कुछ बदल दिया था कि बात करनी मुश्किल हो गई। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ दूं,
ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया है? मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी कि जिसमें अपने आप को भी खत्म कर लिया तुमने? शायद मैंने तुमको हकीर होने का एहसास कई बार दिलवाया, लेकिन मुझे तुमसे कभी भी नफरत नहीं थी शेरबानो। नफरत का आगाज तो तुमने किया था, क्यों? और अगर तुमको मुझसे मोहब्बत थी तो उसका एहसास तुमको बहुत देर बाद हुआ। काश तुम इतनी स्पॉइल्ड न होती, इतनी ज्यादा, इतनी बेतहाशा स्पॉइल्ड कि तुम किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ अरसे के लिए तो हम खुश थे ना, चाहे थोड़ी सी मदद के लिए। जब मैं तुम्हारे एक तसव्वुर से मोहब्बत करता था, एक ऐसी लड़की से जो तस्वीरें बनाती थी, बातें बहुत कम करती थी और जिसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, तुम कहां खो गई हो शहर? क्या हो गया तुम्हें? शायद तुमको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, शायद तुम सब कुछ भूल गई हो। भूल तो मैं भी सब कुछ किया था, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता ना जाने क्यों पुरानी यादें वापस आ रही हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आज फेवरेट चॉकलेट लेकर आया हूं। शहर, शायद आज के बाद मैं तुमको मिलने ना आ सकूं, लेकिन सब लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी।